वेलकम बैक टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी स्पीशीज जो कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से अक्सर आप उसे देखते होंगे टीवीज़ में एंड आप सोशल मीडिया पे, बट शायद कुछ ही लोग होंगे जो जिसे जिन्होंने विजुअलाइज़ किया होगा इस तरीके की स्पीशीज़ को। तो आज हम उसी स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वो जो स्पीशीज़ है वो है स्पीशीज़ ऑरेलिया, जिसे हम जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम जेलीफिश के क्लासिफिकेशन एंड कुछ डिस्क्रिप्शन या करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनके हम रिप्रोडक्शन को भी कवर करेंगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये फाइलम सिलेंड्रेट से बिलोंग करता है, जिसे हम निडेरियन फाइलम में भी कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके क्लास की बात करते हैं तो क्लास साइफोजोआ से बिलोंग करता है, और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो स्ट्रोमल से बिलोंग करता है। जीनस की बात करेंगे तो जीनस जो है वो ऑरेलिया है। तो आइए चल के देखते हैं कि जेलीफिश देखने में कैसा होता है, उसकी क्या अपीयरेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड उनके रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं। वैसे तो अगर जेलीफिश की बात की जाए तो जेलीफिश कई सारे टाइप्स के देखने को मिलते हैं, जो कि कई सारे जेलीफिश ट्रांसपेरेंट्स भी देखने को मिलते हैं, कई सारे कलरफुल्स भी देखने को मिलते हैं। जो कलरफुल जेलीफिश होते हैं वो आपके बायोलुमिनेसेंस जेलीफिश में कंसीडर किए जाते हैं, बिकॉज इस तरीके के जेलीफिश के पास बायोलुमिनेसेंसी का कह सकते हैं एक केमिकल प्रेजेंट होता है, जिनके वजह से ये देखने को मिलता है हमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ये एक जेलीफिश है, बट ये जो जेलीफिश है ये ट्रांसपेरेंट टाइप की जेलीफिश है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि थोड़ी सी क्लाउडी टाइप की देखने को मिल रही है। अगर इस तरीके के हम मेंबर्स की या स्पीसीज की बात करते हैं तो ये प्लैंकेटोनिक मराइन मेंबर्स जाने जाते हैं। ज़्यादातर ये अंटार्कटिक कोल्ड वाटर एंड ट्रॉपिकल सीज में पाए जाते हैं। और अगर इनकी स्पीसीज़ की बात करें तो ये करीब 200 से ज़्यादा स्पीसीज़ इसके देखने को मिलते हैं। ये फ्री स्विमिंग होती है, काफ़ी सॉफ्ट बॉडीड होती है। अगर इनके बॉडी की साइज़ की बात की जाए तो ये भी वेरी करती है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, 2 to 40 सेंटीमीटर तक का वेरिएशंस देखने को मिलता है। अगर बॉडी के डायमीटर की बात करें तो 2 meters तक डायमीटर भी देखने को मिलता है। इनके पास एक जिलाटेनियस बेल होती है, जिसे हम टेंटिकल भी कहते हैं, और ये टेंटिकल निमेटोसिस्ट के साथ बनी होती है। इनमें जो निमेटोसिस्ट होते हैं ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गन्स बॉडी में नहीं दिख रहा है, कोई भी बैकबोन भी नहीं है, हेड भी देखने को नहीं मिलता और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम्स, और कई सारे ऑर्गन्स भी ये इनके बॉडी में अब्सेंट होते हैं। अगर बॉडी की बात की जाए तो ये 2 तरीके के टिश्यू लेयर से मिलके बने होते हैं। एक टिश्यू होती है एक्सटर्नल एक्टोडर्म, दूसरा जो टिश्यू होता है वो होता है इंटरनल इंडोडर्म से ये मिलके बनी होती है। ये जो जेलीफिश होती है इनके पास मेसोगिलाइल सेल प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली तो ये सेल नहीं माने जाते हैं, बट हम इसे सेल में कंसिडर करते हैं सेल जैसा। और ये ट्रांसपेरेंट, ये जो सेलोगिलाई होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है आप देख सकते हैं, उसको हम सीलिया बोलते हैं, और ये सीलिया जो होती है फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर हम इनके माउथ, सीलिया जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, ताकि अच्छी तरीके से फूड का सर्कुलेशन हो पाए। साथ ही साथ इनके माउथ की अगर बात करते हैं तो माउथ रीजन भी देखने को मिलता है। एक सिंपल आई होती है जो कि विजिबल तो आपको नहीं यहाँ पे नज़र आएंगी। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से देखने को मिलता है, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, और साथ ही साथ ये फ्री स्विमिंग लार्वा भी कंटेन करते हैं, और उन लार्वा को हम पैनुला के नाम से जानते हैं, और यही पैनुला जो होती है बाद में कन्वर्ट होती है पॉलिप में, और ये पॉलिप जो होती है एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन करवाने में हेल्प करती है। और जो सेक्सुअल स्टेज होता है उसे हम मेड्यूसा स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन करवाने में हेल्प करता है एग एंड स्पर्म के हेल्प से। तो आज हमने कवर किया जेलीफिश के पूरे डिस्क्रिप्शन को लेके, और हम जाने कि जेलीफिश के रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैबिट एंड हैबिटाट्स क्या हैं। ऐसे कई सारे स्पीसीज़ को और यूनिक टाइप के स्पीसीज़ को हम लेके आएंगे आपके लिए। तब तक आप ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करें एंड लाइक करें,
ये वीडियोस को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।